छह गेंद पर छह छक्के लगाकर इतिहास रच दिया नेपाली टाइगर दीपेंद्र सिंह एरी। दोस्तों, कभी कभी क्रिकेट में एक बार छक्के मारने के लिए खिलाड़ी अपना जान लुटा देते हैं, और एक ही ओवर में छह छक्के मारना वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। और ऐसे बहुत कम खिलाड़ी पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं जिन्होंने एक ओवर में छह छक्के मारने की कारनामे को अपने नाम किया है। वहीं आज नेपाल देश के एक खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है कि जिसे शायद अगले कई साल तक याद किया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रिकॉर्ड नेपाली खिलाड़ी ने बनाया है ये कभी टूटे ना। बता दें कि आज नेपाली टाइगर दीपेंद्र सिंह एरी वर्ल्ड के ऐसे लौते T20 प्लेयर बने जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार T20 क्रिकेट के इतिहास में छह छक्के लगाए हैं। इंटरनेशनल स्तर पर दीपेंद्र सिंह एक लौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने दो बार एक ओवर में छह छक्के लगाए हैं। जिस काम को अगर कोई एक बार कर देता है तो उसे रिकॉर्ड माना जाता है। वहीं नेपाल के टाइगर दीपेंद्र सिंह ने इस काम को दो दो बार करके पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में भूचाल ला दी है। जानकारी के लिए बता दें कि आज हो रहे नेपाल और कतर के बीच ICC प्रीमियर कप के एक मुकाबले में इस कारनामे को दीपेंद्र ने 20वें ओवर में अंजाम देकर इतिहास रच दिया है। अपने रिकॉर्ड को एक बार फिर तोड़ते हुए नेपाली बैटर दीपेंद्र अब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। बता दें कि इस मैच में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने को चुनी थी, और पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की गाड़ी शुरू से लड़खड़ाती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद अंत में दीपेंद्र की एक तगड़ा फिनिश के चलते नेपाल ने कुल 20 ओवर्स में 211 रन बोर्ड पर लगा दिए, जिसमें दीपेंद्र सिंह ने अंतिम के ओवर में जो पारी खेली उसे देख ये बोला जा सकता है कि आज नेपाली न्यू ईयर में दीपेंद्र ने पटाखे फोड़ दिए। तो आपको दीपेंद्र सिंह की बैटिंग कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।